दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ वही लोग पूरा देखे जो अपने चैनल पर जी जान से मेहनत कर रहे हैं, अपने चैनल पर अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, फिर भी उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। सिर्फ वही लोग इस वीडियो को पूरा देखे। अदरवाइज अगर आप अपने चैनल पर अच्छे से काम नहीं करते हैं, आप सब अच्छे से वीडियो नहीं बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़ के अभी जा सकते हैं या फिर बीच में छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि यूट्यूब का एक ऐसे सच्चाई के बारे में आपको पता चलने वाला है जिसकी वजह से अब से किसी का भी चैनल ग्रो नहीं होने वाला है 2022 में। नहीं नहीं मैं आपको यूट्यूबर बनो के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं मैं इनके बारे में, नहीं इनके बारे में, नहीं इनके बारे में बताऊंगा कि इनके वजह से आप नहीं ग्रो हो पा रहे हैं, बल्कि आप ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। वो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो यूट्यूब है, यूट्यूब की वजह से आप ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे हैं और क्या सच्चाई है आपको इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल के सही जवाब देते उनका नाम बता दूँ। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट शॉर्ट्स एंड ज्योति एंड साहिल मौर्या, ये दोनों भाई साहब जो है सही जवाब देते हैं कल के सवालों का। तो ये सब छोड़ते और बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाते हैं उसके बाद यूट्यूब हमें 55% देता है और 45% यूट्यूब खुद रखता है, और ये यूट्यूब मानता ही है। और उस समय यूट्यूब को लगता था कि ये क्रिएटर अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो यूट्यूब हम जैसे क्रिएटर के चैनल को बूस्ट कर देता था, जिसकी वजह से हमारा चैनल ग्रो हो जाते थे। उसके बाद हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाता था तो यूट्यूब भी हमारे चैनल से अर्न करते थे। लेकिन यूट्यूब ने दिमाग लगाया, उसको तो और लालच था, उसने दिमाग गाया और 2021 में आप कौन से महीना में ये अपडेट लाए तो वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 2021 में अपडेट ला दिया कि जिसका भी चैनल मोनिटाइज नहीं होगा उसके चैनल पर भी हम एड्स दिखाएंगे और उन एड्स का जितना भी रेवेन्यू बनेगा उन सब का पूरा 100% यूट्यूब खुद रखेगा, और जब हमारे चैनल मोनिटाइज हो जाएगा उसके बाद हमें देगा 55%, और इन समय जितने भी हमारे चैनल से रिवेन्यू होगा उन सब का पैसा यूट्यूब खुद रखेगा। और यहीं से उनका दिमाग जो है घूम गया और उनका लालच और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि हम इनके चैनल को ग्रो कर देते थे तो इनका चैनल मोनिटाइज हो जाता था, उसके बाद हमें पैसा मिलता था, लेकिन यूट्यूब ने दिमाग लगाया कि अब हम सबके चैनल पर एड दिखाएंगे और इनके चैनल को हम ग्रो ही नहीं करेंगे, जब तक हम इनका चैनल को ग्रो ही नहीं करेंगे तो इनका चैनल मोनिटाइज होएगा ही नहीं, तो हम इनको पैसा देंगे नहीं, इनका चैनल ग्रो नहीं होगा, हम पैसा कमाते रहेंगे जितना हो सके, इनके चैनल पर हम एड्स दिखाएंगे और हम छापते रहेंगे पैसा, और हमें एक भी रुपया नहीं देता है। और यही रीज़न है कि अभी हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। यूट्यूब जानता है कि अगर आपके चैनल को वो ग्रो कर देगा तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तो उसको सिर्फ 45% मिलेगा, और आपका चैनल वो ग्रो नहीं करता है तो उसको पूरा के पूरा 100% रिवेन्यू मिलता है। और यही रीज़न है कि अभी भी जितने लोग मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पर उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूँ, मेरा मानना यह है कि आज जितने बड़े बड़े यूट्यूबर आप देखते हो, ये बहुत ही बड़े बड़े मनोज डे टेक्निकल योगी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, उन सबसे ज़्यादा मेहनत अभी हम जैसे क्रिएटर करते हैं आप सब करते हैं, और मैं मानता हूँ कि उन्होंने भी बहुत ही मेहनत किया, लेकिन उनसे भी मेहनत हम लोग करते हैं, उनसे कई गुना मेहनत अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब हमारे ऊपर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपना रिवेन्यू बढ़ाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों आप सब कमेंट करके बताओ कि जब से ये नियम लागू हुआ है तब से किसी का भी चैनल ग्रो हुआ है तो कमेंट करके बताओ। और मैं आदित्य ब्लॉग जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर के सपोर्ट की वजह से ग्रो हो गया उनका बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अपने चैनल पर मेहनत कर रहा है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डाल रहा है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो अपने चैनल पर इतने अच्छे से कॉन्टेंट डाल रहे हैं फिर भी उनका चैनल वो अपडेट आने के बाद किसी का भी चैनल ग्रो हुआ है, कमेंट करके आप सब जरूर बताएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको ये सच्चाई आपको कैसा लगा है यूट्यूब का, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि यार पिछली बार तो आपने लाइक टारगेट को ही तोड़ ही दिया था भाई, मैंने लाइक किया मेरा खाता 50, लेकिन आप लोगों ने तो उनका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, फिर भी हम रखते हैं आज की वीडियो का लाइक एम 50 रखते हैं, देखते हैं आप सब इस बार भी पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको ऐसा ही यूट्यूब से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपको देखना पसंद हो तभी आप सब्सक्राइब करेगा। मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना एंड लव यू ऑल। तो दोस्तों आज का सवाल है कि CTR का फुल फॉर्म क्या है।